प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्रेटर नोएडा में आइडिया विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में 50 देशों के 1500 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। आपको बताया, 4 दिन चलने वाले इस कार्यक्रम का विषय पोषण और आजीविका के लिए डेयरी रखा गया है। साथ ही आपको जानकारी दें, प्रधानमंत्री के अलावा केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह तथा अन्य केंद्रीय मंत्री भी शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। साथ ही आपको बताएं, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात के मुख्यमंत्री भी 48 वर्ष बाद भारत में होने वाले इस वैश्विक कार्यक्रम में शामिल होंगे। पिछली बार भारत ने 1974 में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी कांग्रेस की मेजबानी की थी। डेयरी शिखर सम्मेलन में वैश्विक और भारतीय डेयरी उद्योग के विशेषज्ञों, किसानों और नीति योजनाकार जुटेंगे। साथ ही आपको बता दें कि दूध उत्पादन में भारत दुनिया में पहले स्थान पर है और दूध के वैश्विक उत्पादन में देश का हिस्सा 30% है। समिट में राजस्थान का प्रतिनिधि RCDF की प्रशासक और प्रबंध संचालक सुषमा अरोड़ा कर रही हैं, जिन्होंने कल देश विदेश के प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी। साथ ही आपको बताएं कि एग्जीबिशन हॉल में RCDF के स्टॉल का भी निरीक्षण किया गया। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता बीके शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी बीके, देखिए, विश्व डेयरी सम्मेलन का आगाज होने वाला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई बड़े दिग्गज नेता शामिल होंगे, क्या कुछ है अपडेट? आयुषी, आप इस कार्यक्रम का महत्व इस बात से समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसका उद्घाटन कर रहे हैं, तो इससे समझ में आता है कि सरकार इस पूरा इस जो डेयरी सिस्टम है उसको कितनी गंभीरता से ले रही है। और यहाँ पर पूरा देश के जो अलग अलग राज्यों के डेयरी फेडरेशन है वो उसके साथ साथ में पूरी दुनिया से जो डेयरी सिस्टम है उनके प्रतिनिधि भाग लेंगे, क्योंकि जो विकसित देश हैं, यूरोपियन देश हैं, उनमें एक विकसित प्रणाली है डेयरी की। और कई बार हम वीडियोस में टीवी चैनल्स पर और उनमें देखते हैं कि वहाँ जो पशुपालन का एक तरीका अलग है, वो हाइजेनिक ज्यादा है जी, और वहाँ उसको ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से काम किया जाता है, तो उसको उस तक नई टेक्नोलॉजी का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ भी पशुपालकों को नई तकनीक से किस तरह जोड़ा जाए, नई तकनीक से किस तरह ज्यादा अच्छे और बेहतर उत्पाद बनाए जाए, उनके मार्केटिंग सिस्टम क्या हो, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या हो, रिक्वायरमेंट सिस्टम क्या है, तो इससे एक ही प्लेटफॉर्म पर पूरी दुनिया की डेयरी तकनीक यहाँ पर उपलब्ध होगी, डिस्कशंस होंगे, मीटिंगें होंगी, वन टू वन टॉक होगी। तो इससे जो यहाँ हमारे देश में, हमारे राज्य में जो डेयरी का सिस्टम है, जो पशुपालक हैं, उनको उन तकनीक का, नए शोध का, उन सब का ये जानकारी मिलेगी इस एग्जीबिशन में। और यहाँ राजस्थान का, क्योंकि देश के अंदर जो RCDF है, राजस्थान डेयरी कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, वो भी शीर्ष स्तर पर है, बहुत बेहतर, क्योंकि हम पूरे देश में यहाँ से दूध और दूसरे उत्पाद पहुँचाते हैं, सेना को पहुँचाते हैं, तो यहाँ उसकी एग्जीबिशन लगाई गई है ताकि राजस्थान के फेडरेशन की जानकारी देश और दुनिया को हो। और ये एक प्लेटफॉर्म है और यहाँ से बहुत कुछ सीखा भी जाएगा, साथ ही अपना जो सिस्टम है उसको दुनिया के आगे एग्जीबिट भी करने का एक अवसर मिलेगा। आयुषी जी, भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।